सरकार से यही अपील करना चाहते हैं कि उनको थोड़ा सा टाइम दिया जाए ताकि वो संगत को जैसे कुछ भी है हमारे लिए नया मतलब सत्संग कर सके ताकि हम उनके वचनों को। नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। आपको पब्लिक के साथ सीधी बातचीत दिखा रहे हैं, जानते हैं इनका क्या कहना है। जो सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रीम सिंह जी इंसान कुछ दिन पहले ही पेरोल पे फरलो पे बाहर आए हैं, इनका क्या मानना है, क्या सरकार को ये कहना चाहते हैं और क्या कहना है जो लोग कुछ सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रीम सिंह जी इंसा के बाहर आने को इलेक्शंस के साथ जोड़ रहे हैं, उसके बारे में इनका क्या राय है जानेंगे इनके साथ सीधी बातचीत करके। नमस्कार मैम, आपका शुभना जी। मेरा नाम अमिता इंसा है। अमिता जी, क्या लगता है आपको सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रीम सिंह जी इंसा जो भी फरलो उनको दी गई है, बाहर आए हैं, वो क्या कहना है आपका? एक्चुअली उसके बारे में हमारा यही कहना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो कि हमें बहुत खुशी हुई है कि चाहे गुरुजी थोड़े टाइम के लिए रही सही, लेकिन एक बार हमारे बीच आए तो सही। और हम उसके बारे में यही कहना चाह रहे हैं कि सरकार से अभी तक हमें फिलहाल तो गुरुजी जो है गुरुग्राम में नामचर्चा घर में हैं, लेकिन अभी हमें कोई दर्शन वगैरह उनका अभी हमें कोई न्यूज़ नहीं मिली है। तो हम सरकार से यही कहना चाहते हैं कि हमें उनके एटलीस्ट दर्शन कराए जाएँ। इतना टाइम हो गया कि हमने उनका सत्संग नहीं सुना है, तो हम चाहते हैं कि उनको चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन जैसा भी हो हमें मतलब सत्संग सुनना चाहते हैं हम उनका। सरकार से यही अपील करना चाहते हैं कि उनको थोड़ा सा टाइम दिया जाए ताकि वो संगत को जैसे कुछ भी है हमारे लिए नया मतलब सत्संग कर सके ताकि हम उनके वचनों को सुन सकें। मैम, आपको लगता है उनका इस तरीके से सत्संग करना या उनका समाज में आना हमारे समाज के हित में है? यस मैम, ऑफ कोर्स, या ये तो बहुत ज़रूरी है, चाहे थोड़े दिन के लिए आए हैं लेकिन ये तो बहुत ज़रूरी है कि जो संत हैं उनको आना चाहिए, उनको सत्संग करना ज़रूरी है, ये समाज के हित में ही है। क्योंकि वो सत्संग करेंगे तो हमारा ही भला है इसमें, उनका तो काम ही यही है कि उन्होंने तो सभी का भला करना है, तो वो सत्संग सुनेंगे आज। अब आप ये देखिए ना, गुरु जी को गए 4-4.5 साल हो गए, जो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं वो अब बड़े हो गए हैं, ग्रो अप कर गए हैं, लेकिन उनको अभी भी नाम शब्द नहीं मिला है। तो हम लोग भी इनफैक्ट हम लोग ये भी चाहते हैं कि गुरुजी सत्संग करें और नामदान की दात भी बख्शे हमारे बच्चों को। यही है कि बेनिफिट क्या होगा हमारे सत्संग? बेनिफिट तो बहुत ज़्यादा होंगे गुरुजी के आने से। अब गुरुजी सत्संग करेंगे, अब गुरुजी इतने टाइम से नहीं है हमारे बीच में, लेकिन जब अब आएंगे वो हमारे देखेंगे कि क्या कुछ हो रहा है, वो कुछ नया हमें बताएंगे, कुछ नया अच्छा करना सिखाएंगे। वैसे तो गुरुजी ने लेटर्स के माध्यम से उसमें हमें बताया कि ऐसे ऐसे मतलब जो भी वेलफेयर वर्क्स बताए हैं न्यू करने के लिए, लेकिन ये है कि चलो गुरुजी एक बार हमारे बीच में आएंगे सत्संग करेंगे तो हमें एक तो मोटिवेशन मिलेगी बहुत ज़्यादा वाली, ताकि हम सेवा के कार्यों में वेलफेयर वर्क्स में आगे बढ़ सकें। संत जी का बाहर आना, इस मुद्दे को इलेक्शंस के साथ जोड़ा जा रहा है, आप क्या कहना चाहेंगे? मैम ये तो मुझे नहीं लगता कि ये सही है, क्योंकि इलेक्शंस के साथ तो कोई इसका लिंक ही नहीं है। वो तो हर उसका हर इंसान का अधिकार है कि वो अपनी फरलो पा सकते हैं, अपनी फैमिली से मिल सकते हैं, अपने बाहर रह सकते हैं, तो ये इलेक्शन से इसको इंक्लूड नहीं करना चाहिए, इलेक्शन इसमें नहीं इन्वॉल्व होना चाहिए। गुरुजी आए हैं तो वो हमें समझाएंगे, हम सत्संग सुनना चाहेंगे, तो इससे इलेक्शंस का लेना देना, पॉलिटिक्स का कुछ भी लेना देना नहीं होना चाहिए। आपको लगता है संत जी कभी आप लोगों को इलेक्शंस के बारे में वोट्स के बारे में कुछ कहते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं कहते हैं। इनफैक्ट वो तो यही कहते हैं कि आप लोग जिसको भी वोट देना चाहते हो, ऐसे जो देश का भला कर सके उन्हीं को वोट दो। उन्होंने स्पेसिफिकली कभी किसी का नाम भी नहीं लिया है, वो सिर्फ यही कहते हैं कि अपना जो भी देना है अच्छे इंसान को दो जो देश का भला कर सके। मैम लास्ट में क्या आप सरकार से अपील करना चाहोगे? सरकार से यही अपील करना चाहेंगे कि गुरुजी को आए हमें 5-6 डेज हो गई हैं, लेकिन अभी भी हमें उनसे मतलब उनके दर्शन हमें नहीं हो पाए हैं, तो सरकार से यही अपील करना चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी उन्हें हमें दर्शन करने दीजिए और सत्संग के लिए अलाउ किया जाए, सो दैट कि हम उनका सत्संग सुन सकें और हमें मोटिवेशन मिल सके एंड समाज का भला कर सकें। जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों लगातार ये पब्लिक हमारे साथ जुड़ रही है, ये लोग अपील कर रहे हैं कि सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रीम सिंह जी इंसा का सत्संग जरूर मिलना चाहिए पब्लिक को। इनकी डिमांड है कि उनको फरलों पे जो आए हैं वो समाज में उनको समाज से जुड़ने का मौका दिया जाए, और दूसरी तरफ जो भी बातें उठाई जा रही हैं कि इलेक्शंस के साथ जोड़ा जा रहा है इसको, इनका कहना ऐसा कुछ भी नहीं है। संत जी ने कभी भी किसी वोट किसी पार्टी के लिए या किसी के लिए भी उन्होंने कभी भी नहीं कहा भी इसको वोट डालनी है। हर कोई अपनी मर्जी से अपनी यूनिटी में ये लोग वोट डालते हैं, संत जी का इसमें कोई रोल नहीं है, ये जनता लगातार कह रही है। आप भी देखते रहिए जनता की आवाज़, द फैक्ट टाइम के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।